Hey you guys, it's Shruti. Welcome back to another exciting video. आज हम जा रहे हैं खारगर टू एक्सप्लोर अनदर ब्यूटिफुल ब्रंच लोकेशन. सो बिफोर आई रिवील टू मच, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, माय नेम इज श्रुति. आई मेक ट्रैवल लाइफस्टाइल एंड डांस कंटेंट ओवर हियर. इफ यू लाइक इट, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट दैट बेल आइकन सो यू डू नॉट मिस आउट एनी ऑफ माय कंटेंट. सो या आई शो यू व्हाट आई एम वेयरिंग. ऑलरेडी मैंने शॉर्ट्स बनाया हुआ है, वो आप चेकआउट कर सकते हो. आज का लुक थोड़ा सा कैजुअल है. मैंने लॉन्ग ए लाइन स्कर्ट पहना है, उसके साथ व्हाइट पैर की है एंड सिंपल सी गोल्डन ज्वेलरी पहनी है एंड रेड टॉप विच आई गॉट फ्रॉम वेस्ट साइड. सो या दिस इज माय होल कैजुअल आउटफिट एंड लेट्स गो टुवर्ड्स इट. सो वी गॉट द बस. We are at the location and I'm just opposite to the restaurant. I'll just show you. सो ये स्टंट तो बिल्कुल मत करना क्रॉसिंग करते टाइम, अपना फ़ोन बस सब कुछ साइड में रखना. एंड मैं हूँ उत्सव चौक में सेक्टर 21 एंड सामने ही हमारा कैफ़े है, दैट इज़ ग्रैंड सेंचुरी रेस्टोरेंट एंड कैफे. दैट्स रिज़ी देयर एंड दैट्स द कैफे. लेट्स गो इनसाइड. Wow, I love the area. It is so aesthetic. कैफ़े का एम्बियंस तो आप देख ही चुके हैं. जैसे ही हमने एंटर किया, आर्टिस्टिक वॉल्स थी हर जगह, और ऊपर आए तो वहाँ पे भी बहुत सारे एस्थेटिक कॉर्नर्स थे और अंदर भी आर्टिस्टिक वॉल्स बनाई थी. दी एम्बियंस वॉज सो स्पेशियस, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ही कंफर्टेबल थी, वेरी गुड वाइब, बहुत अच्छी सी शाइन थी रेस्टोरेंट में. तो आई लव्ड इट ओवरऑल. दी एम्बियंस वॉज 5/5 फॉर मी. सो देयर मेन्यू इज क्वाइट डाइवर्सिफाइड. बहुत अच्छा लगा दैट, मतलब ए टू जेड सब कुछ है यहाँ पर. ड्रिंक्स में हमने ऑर्डर किया था समथिंग क्रीमी गुआवा ड्रिंक, दैट इज़ स्पाइस इट अप, और लास्टली संग्रिया ऑर्डर किया था जो मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आया. ऑल ड्रिंक्स वर सो गुड एंड बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस. इंडियन स्टार्टर्स में हमने ट्राई किया पेरी पेरी पनीर एंड इट वॉज सर्व्ड विद हरी चटनी एंड बहुत अच्छे से गार्निश होकर आया था. पहला बाइट लेते ही बहुत अच्छे से बैलेंस फ्लेवर्स आ रहे थे एंड आई लव्ड इट ओवरऑल. आई रेट इट 4/5. नेक्स्ट हमने ट्राई किया पैनको पनीर मालवानी एंड इट वॉज कोटेड विद जैपनीज ब्रेड क्रम्ब एंड ये मालवानी मैरिनेशन के साथ आया था एंड डिप भी काफ़ी अच्छी थी, मेयो का सॉस बनाया था. आई लव्ड द टेस्ट ओवर ऑल, स्पाइसी था, क्रंची था, क्वांटिटी वॉज ऑल्सो वेरी गुड. सो आई विल गिव इट 3/5 टू इट. नेक्स्ट हमने ट्राई किया था वेजी टेम्प्यूरा. नाम से बहुत ही यूनिक लग रही थी डिश बट इट वॉज नॉट दैट अपीलिंग. जब ये ऑन टेबल आई, प्रेजेंटेशन वॉज ओके ओके. वसाबी सेव के साथ सर्व हुआ था एंड जिंजर सैलेड, बहुत ही कम था क्वांटिटी में. इट वॉज एक्चुअली फ्राइड वेजीज थी, कैप्सिकम, स्प्रिंग अनियन, वो सारी चीज़ें थी, बट आई विल गिव इट लाइक 3/5 टू इट. नेक्स्ट हमने ट्राई किया था वेज क्रिस्पी टाकोस. आई मस्ट से प्रेजेंटेशन और क्वांटिटी वाज ऑन पॉइंट एंड टर्मरिक मेयो के साथ सर्व हुआ था. चिली साल्सा के साथ बाइंड होकर आया था क्रिस्पी वेजीज और फ्राइज. ओवरऑल इट वाज अ 3 फॉर मी, क्योंकि जो रोटी थी उसकी वो थोड़ी सी कच्ची थी तो उस पर वो लोग इम्प्रूव कर सकते हैं. अदर देन दैट इट वॉज अ गुड डिश. इंडियन मेन कोर्स में हमने ऑर्डर किया था पनीर लबाबदार एंड उनके साथ गार्लिक नान एंड बटर रोटी और पुदीना पराठा इंडियन ब्रेड्स में ऑर्डर किया था. एंड आई मस्ट से जितना टेम्पटिंग वो दिख रहे थे उतना ही ज्यादा लजीज था. इंडियन खाना वॉज द बेस्ट. आई रेटेड 5/5.
कैफ़े गए और पिज़्ज़ा ना खाया ये तो हो ही नहीं सकता। हमने ट्राई किया लोडेड पिज़्ज़ा, सच में लोडेड था। इट वॉज़ टॉप्ड विद चंक ऑफ पनीर एंड बेल पेपर्स, ऑलिव्स, अनियंस एंड वॉट नॉट, एंड चीज़ी तो था ही। आई रेटेड 4/5 टू इट। नेक्स्ट हमने अराबियाता रेड सॉस पास्ता ट्राई किया एंड आई मस्ट से क्वांटिटी तो काफ़ी अच्छी थी, 3 से 4 लोग आराम से खा सकते हैं। एंड इसके साथ थोड़ा सा सैलड और गार्लिक ब्रेड सर्व हुआ था। टेस्ट थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है बट अदर देन दैट इट वॉज़ अ 4 फॉर मी। कॉन्टिनेंटल मेन कोर्स में हमने ट्राई किया बेक्ड मोमोज। वाइट सॉस में मोमोज डिप होकर आए थे, वेरी इंटरेस्टिंग, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। ओनली सजेशन इज़ कि अगर ये वाइट सॉस अलग से एज अ डिप आता विथ मोमोज, इट वुड हैव बीन द हिट डिश ऑफ द डे। फेवरेट सेगमेंट ऑफ दिस मील इज़ द डिज़र्ट्स, एंड डिज़र्ट में हमने ट्राई किया राजस्थानी डिश जाकू शाही एंड हॉट चॉकलेट ब्राउनी। बोथ वर फैब्यूलस। मैं रेट नहीं कर पाऊंगी बिकॉज डिज़र्ट इज़ माई वीक पॉइंट, एंड दोनों भी काफ़ी अच्छे थे। यू नीड टू ट्राई ईच एंड एवरी डिश। काफी अफोर्डेबल थी सारी चीजें। इट्स डेफिनेटली अ मस्ट विजिट रेस्टोरेंट इन नवी मुंबई। सो या गाइस, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस ऑनेस्ट रिव्यू विद मी, एंड इफ यू डिड प्लीज डू हिट अ लाइक बटन एंड शेयर इट विद एनी पर्सन हु लव्स वॉचिंग दिस ऑनेस्ट रिव्यूज एंड हु इज अ फूडी। एंड या कॉमेंट ऑन बिलो इफ यू वॉन्ट मोर वीडियोज लाइक दिस। एंड टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप डांसिंग एंड स्टे सेफ। श्रुति कोठारी साइनिंग ऑफ। बाय गाइस।